आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाना पूर्वांचल में बाढ़ का हाल, हवाई सर्वेक्षण कर किया राहत सामग्री बांटी। गाजीपुर पूर्वांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालातों का जायजा लेने गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया, इसके बाद पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। सीएम योगी ने जाना पूर्वांचल में बाढ़ का हाल, हवाई सर्वेक्षण किया, राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने गंगा की बाढ़ का दंश झेल रहे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली के लिए रवाना हो गए। चंदौली के बाद योगी वाराणसी भी जाएंगे। यहां गंगा नदी में घटाव शुरू हो चुका है, लेकिन जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। पूर्वांचल में मंत्रियों के दौरे के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में दस्तक दी। लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक सीएम ने बाढ़ ग्रसित इलाके जाने और क्षेत्रों में कहर ढा रही नदियों का जल स्तर और प्रवाह भी जाना। गाजीपुर में गंगा किनारे सीएम का हेलीकॉप्टर ने धीमी गति से नीचे तक के इलाकों का सर्वे किया। दोपहर 3 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर सेमरा, शेरपुर, बलिया सीमा क्षेत्र तक चक्रमण कर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मैदान पर उतरा। इस अवसर पर हेलीपैड पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के साथ सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी इंटर कॉलेज परिसर में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे, जहां पीड़ितों को राहत सामग्री दी। इसके बाद सेफ हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, प्रमुख भाजपा नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी की। सीएम के दौरे को लेकर इंतजाम चाक चौबंद रहे और गंगा किनारे में एनडीआरएफ समेत पीएसी और पुलिस टीम तैनात रही। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।